देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज जलवा टाइम सच के साथ एक कदम। आज नंदगरी दिल्ली में अखिल भारतीय कोली समाज के द्वारा वीरांगना झलकारी बाई कोली की 189वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। 1857 की वीरांगना झलकारी बाई कोली की जयंती समारोह में माननीय पूर्व सांसद यशपाल जी, अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद कुंवर वालिया जी एवं माननीय सांसद डॉक्टर भारती बेन धीरू भाई सियाल जी भावनगर गुजरात आदि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर विचार व्यक्त किए। देखते हैं संवाददाता अरविंद सागर के साथ कैमरामैन पलक सागर की रिपोर्ट। सिर्फ झलकारी बाई नहीं लेकिन वीरांगना झलकारी बाई की 189वीं जन्म जयंती तो स्वाभाविक है कि हमारे समाज का उत्साह और बढ़ जाता है और दिल्ली वासियों का उत्साह मैंने पहले भी देखा है क्योंकि मैं पहले भी एक कार्यक्रम में आ चुकी हूँ। तो ऐसे हमारा ये आनंद सभर और गौरवप्रद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे समाज का नहीं पूरे देश का गौरव ऐसे हमारे अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष आदरणीय कुंवरजी भाई बावलिया साहब जो कि गुजरात में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, हमारे आदरणीय पवार साहब और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद साहब तत्कालीन हमारे दोनों प्रमुख, उन्होंने हमारे कोली समाज को जो मार्गदर्शन किया और इसी राह पे हम सब चल रहे हैं ऐसे हमारे आदरणीय पवार साहब ज्यादा समय न लेते हुए मंच पर विराजमान हमारे सभी समाज के सम्माननीय अतिथिगण और यहाँ विशाल संख्या में उपस्थित मेरे समाज के माताएं बहने और भाई और बच्चे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। मुझे लगता है कि मेरे आने से पहले वीरांगना झलकारी बाई क्या थी और जिसने कोली समाज में जन्म लिया है वो सभी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब जानते हैं कि झलकारी बाई कौन थी और हमारा समाज का गौरव कैसे बढ़ता है इससे। इसीलिए मैं झलकारी बाई के इतिहास में नहीं जाऊंगी लेकिन समाज की एक बेटी के नाते मैं इतना जरूर कहूंगी कि हमने झलकारी बाई की जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। हर साल हम शोभा यात्रा निकालते हैं, ऐसे फंक्शन करते हैं पूरे इंडिया में से, पूरे भारतवर्ष में हमारे समाज के लोग यहाँ आते हैं और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ भी हमारा समाज बसता है पूरे देश में वहाँ किसी न किसी तरह की ये झलकारी बाई की जन्म जयंती मनाई जाती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हर साल एक दिन हम ये जन्म जयंती मनाए और फिर पूरे साल कुछ न करें तो ऐसे चलेगा क्या? मुझे लगता है कि अभी जिस तरह झलकारी बाई ने अपना शहीद हुई अपनी आजादी के लिए, अपनी झांसी के लिए, रानी लक्ष्मीबाई के लिए, ऐसी जरूरत शायद अभी इस वक्त नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? हमें इतना करना है कि हमारे समाज में और भी झलकारी बाई हो पैदा हो जिससे हमारी समाज की जो आर्थिक गुलामी है, हमारे समाज की जो सामाजिक गुलामी है, हमारे समाज की जो शैक्षणिक गुलामी है उनसे हमें मुक्ति दिलाए ऐसी हमारी झलकारी बाई हमारे समाज में पैदा करने की है। ये सांप्रत समय की मांग है ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है और इसीलिए
हम जब जन्म जयंती मनाते हैं तो एक प्रण हमको लेना चाहिए, संकल्प हमको करना चाहिए कि ऐसी जलकारी बाई हमारे समाज में घर घर में पैदा हो। और मुझे लगता है कि ऐसी जलकारी बाई जैसी बेटी हमारे समाज में घर घर में जब पैदा होगी तो उनकी कोख से जो बेटा या बेटी पैदा होगी ना, उनसे हमारे पूरे समाज कोई भाषणों की जरूरत नहीं, कोई जयंती मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। लेकिन ऐसे बच्चे जब हमें पैदा कर पाएंगे समाज में, ऐसी जलकारी बाई जब पैदा कर पाएंगे ना, तब मुझे लगता है कि ये जो वीरांगना जलकारी बाई है ना, उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, इतना मेरा मानना है। इसलिए हम अपनी गुलामी से मुक्त हों जो किसी भी प्रकार के हैं। हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन अपने अंतर मन से पूछना कि सही में हमारा समाज क्या आज़ाद हो पाया है। हम कई तरह की गुलामी में अभी भी सफर रहे हैं। एक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए हमारी जो अगली पीढ़ी है ऐसी पैदा करने की जरूरत है, और इसके लिए हमको जलकारी बाई, मैंने पहले भी बताया, ऐसी जलकारी बाई पैदा करना है घर घर में। इसी बात के साथ दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष, हमारी महिला अध्यक्ष और सारे हमारे समाज के लोग जो ये जन्म जयंती मनाते हैं हर साल, उनको बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ, बधाई देती हूँ। और एक पूरा संदेश हमारे समाज को जो मिलता है, इसके लिए मैं आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं के साथ सभी को मेरा नमस्कार। जय जय कोली समाज। बीच में हमारे बीच में यशपाल जी, यशपाल जी कृपया मंच पे आ जाए। माननीय सांसद श्री, 1857 की वीरांगना झलकारी बाई के 189 जन्म शताब्दी पर उपस्थित अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुजरात में गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री परम सम्मानीय कुंवरजी भाई बावलिया साहब, गुजरात से भावनगर जिले से हमारी बहन भारतीबेन श्याल जी, जो कि 2 बार से लोकसभा का चुनाव जीतकर हमारा संसद में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। भारतीबेन का हमने जो इतिहास देखा है कि उन्होंने जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेकर विधानसभा का सदस्य बनकर, उसके बाद 2 बार सांसद बनकर इस समाज का गौरव बढ़ाया है। साथ ही जनसेवा में भी आपका नाम रहा, आपने अपने डॉक्टरी के माध्यम से लोगों की सेवाएं की हैं। ऐसे हमारी भारती बहन श्याल जी हमारे राज्यसभा के पूर्व सदस्य शंकर भाई गेडर जी, हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय दिगंबर दास पाटनवाल जी, आदरणीय रामस्वरूप सिरेश जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय पीठावाला साहब, भाई मुकेश कोहली जी, डॉक्टर एम.एल. महावर जी, दयानिश जी जो दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं, और उपस्थित सभी भाइयों बहनों और नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं इस जन्म आप सबको बधाई देता हूँ। और झलकारी बाई का जो इतिहास है वो सब आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी जो बात भारती बहन ने कही मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ कि जयंती मनाने से ही काम नहीं चलेगा, हमें शिक्षा के क्षेत्र में अपने लड़के और लड़कियों को आगे बढ़ाना है। तो मैं दिल्ली प्रदेश से यह निवेदन करता हूँ कि वो साल में कम से कम 3 प्रोग्राम ऐसे करें जिससे कि प्रतिभावान बच्चों को साल में एक बार कार्यक्रम करके उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें और सारा समाज उसमें उपस्थित हो। इसी प्रकार एक कार्यक्रम की अभी घोषणा हुई है, ये भी एक समाज को जोड़ने का। हमारे बीच में श्री यादराम जी
जो रिटायर्ड दिल्ली पुलिस से हैं। इसी क्षेत्र में निःशुल्क कोचिंग चलाने का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। वीरांगना झलकारी बेग बाई ज्ञान ज्योति फाउंडेशन के ये अध्यक्ष हैं। कृपया मैं इनको दो मिनट के लिए मंच देता हूँ, कृपया अपने बात रखें। इसी बीच श्री ओम प्रकाश जी लालबाग से आपका स्वागत है, लाल जी सिंह जी मंडावली से आपका भी बहुत बड़ा स्वागत है, राजवीर सिंह जी LIC आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, नंद किशोर जी GTB एंकलेव से आपका भी स्वागत है, रोशन लाल जी ओम प्रकाश जी दिसाल गार्डन वाले, जय सिंह जी हितेशी जी आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कृपया भगवान बोध संत कबीरदास भीमराव अंबेडकर और सांसद श्री कुंवर जी भाई बावरिया और भारती बहन जी और मंच पर उपस्थित मेरे सभी गणमान्य साथियों, आज के सभा के अध्यक्ष और जगह जगह से आए मेरे सुजाती भाइयों बहनों और बुजुर्ग और बच्चों, मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और नमन करता हूं। साथियों, सबसे पहले एक जोर से जयकारा लगाएंगे, वीरांगना झलकारी भाई। साथियों, हम इसी क्षेत्र में नंद नगरी E2 ब्लॉक में वीरांगना झलकारी भाई ज्ञान ज्योति फाउंडेशन के नाम से निःशुल्क ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, जिसमें ये हमारा तृतीय वर्ष है। और मैं सभी अपने स्वजाति भाइयों से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली के हर क्षेत्र में इस तरह की संस्था खोलकर अपने समाज के सभी बच्चों को आगे बढ़ाएं, जिससे वो आगे हमारे देश का भविष्य बने। और वीरांगना झलकारी भाई के बारे में काफ़ी बता चुके हैं हमारे जो है सभी गणमान्य व्यक्ति जो है, चंद्रावत जी ने सारी डिटेल में बता दिया है, तो उसी को मैं एक संक्षेप में मैं कविता लिखने का मुझे शौक है और एक वीरांगना झलकारी भाई की मैंने एक कविता लिखी है जो आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।